हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कंजेक्शन पर। और हमारे पास जो कंजेक्शन है आज के टॉपिक में, नॉट ओनली बट आल्सो, और दूसरा है बोथ एंड। इनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे सेंटेंस में, तो इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने इस प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। यदि हिंदी के वर्ड देखें, इसका मीनिंग क्या होता है? न केवल या परंतु भी, न सिर्फ बल्कि, न केवल वरन। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार से यूज करना है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होती है। पहली है जब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, मतलब सब्जेक्ट एक समान हो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद यह डॉट डॉट किया है यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी तो लिखेंगे, इसके बाद नॉट ओनली, फिर हमें या तो उसमें वर्ब होगी या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन, इसके बाद आपको बट आल्सो का यूज करना है, फिर उसके बाद जो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। एक विशेष आपको ध्यान रखना है, यदि आपने नॉट ओनली का यूज वर्ब से पहले किया है तो बट आल्सो का यूज भी वर्ब से पहले ही होगा, और यदि नॉट ओनली का यूज आपने एडजेक्टिव से पहले किया है तो बट आल्सो का यूज भी एडजेक्टिव के पहले ही होगा, और यदि नॉट ओनली का यूज आपने नाउन से पहले किया है तो बट आल्सो का यूज भी नाउन के पहले ही होगा। तो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो हमारी स्ट्रक्चर है वो ये है, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नॉट ओनली लिखोगे, फिर पहला सब्जेक्ट, इसके बाद बट आल्सो, फिर दूसरा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेंटेंस में जो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर नाउन है उसको आप लिख दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो की। व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, यानी जब सब्जेक्ट एक समान हो, यानी दोनों सब्जेक्ट एक ही हो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, रोमित इज प्लेइंग, और दूसरा है सॉरी पहला है रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट, और दूसरा है रोमित इज वॉचिंग टीवी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ रोमित है, रोमित क्रिकेट खेल रहा है और रोमित ही क्या कर रहा है, वॉचिंग टीवी यानी टेलीविजन देख रहा है। अब इन दोनों सेंटेंस को मिला दे और हमें यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो का, तो फिर आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो हिंदी में देख लेते हैं क्या होगा। रोमित न केवल क्रिकेट खेल रहा है बल्कि टेलीविजन भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक समान है, इसलिए हम नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज, जो क्रिया हो रही, क्योंकि प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी ये क्रिया है, उससे पहले हम यूज करेंगे नॉट ओनली और बट आल्सो का। तो इसका जो ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, रोमित इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट बट आल्सो वॉचिंग टीवी। देखिए रोमित यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद इज यानी एक ही सब्जेक्ट है, तो जो भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, इज आर जो भी है आपको यूज करना है, फिर नॉट ओनली का प्रयोग हमने किया प्लेइंग क्रिकेट यानी प्लेइंग से पहले किया जो कार्य हो रहा है उससे पहले, तो यहाँ भी बट आल्सो का यूज हम वॉचिंग से पहले करेंगे। तो रोमित इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट बट आल्सो वॉचिंग टीवी। ये कंडीशन तब होती है जब सब्जेक्ट एक समान हो। एक और एग्जांपल लें, जब सब्जेक्ट एक समान हो, राधा इज इंटेलिजेंट और राधा इज ब्यूटीफुल। देखिए सब्जेक्ट एक ही है, राधा बुद्धिमान है और राधा सुंदर है, यहाँ पे एक में राधा की बुद्धिमानी को शो कर रहा है और दूसरे में उसकी सुंदरता को, मतलब ये एडजेक्टिव बता रहा है कि राधा बुद्धिमान है और राधा सुंदर है। यदि इन दोनों सेंटेंस को हम मिक्स कर दे और
नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है तो हिंदी में कैसे बनेगा? राधा न केवल बुद्धिमान बल्कि सुंदर भी है। और इंग्लिश में कैसे होगा ट्रांसलेट? राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ इंटेलिजेंट से पहले नॉट ओनली का यूज किया तो ब्यूटीफुल से पहले बट ऑल्सो का यूज होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव। इसलिए किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मैं आपको बारीकी से इस टॉपिक को समझा रहा हूं। दूसरी सिचुएशन देखें, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, यानी जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आप कैसे यूज करोगे? जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी रोमित क्रिकेट खेल रहा है, और कमल इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कमल क्रिकेट खेल रहा है। तो रोमित भी क्रिकेट खेल रहा है और कमल भी क्रिकेट खेल रहा है, यानी सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन क्रियाएं जो है एक है। अब इन दोनों को मिक्स कर दो और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है, न केवल रोमित बल्कि कमल भी क्रिकेट खेल रहा है। तो अब आप यहाँ नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज सब्जेक्ट से पहले करोगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो नॉट ओनली रोमित बट ऑल्सो कमल, क्योंकि हमने यहाँ जो है नॉट ओनली का यूज सब्जेक्ट से पहले किया है तो बट ऑल्सो का यूज भी सब्जेक्ट से पहले होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है और अलग अलग है और क्रिया क्या है एक, तो वैसे वैसे लिख दोगे इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे एक चीज और देखना है कि यहाँ इज लिखा हुआ है तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि आप बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी की यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। यहाँ दोनों में ही इज है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए यदि प्लूरल हो एक और एक सिंगुलर हो तो कैसे होगा, उसका भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, आगे देखते हैं। द टीचर इज टॉकिंग और दूसरा है द गर्ल्स आर टॉकिंग। देखिए टीचर इज टॉकिंग यानी शिक्षक बात कर रहा है, एक शिक्षक की बात हो रही है, सिंगुलर यूज हो रहा है, जबकि लड़कियां बातें कर रही है, द गर्ल्स आर टॉकिंग यानी लड़कियां जो है एक से ज्यादा है तो यहाँ आर का यूज हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को मिक्स करो, न केवल शिक्षक बल्कि लड़कियां भी बातें कर रही है। अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग है तो सब्जेक्ट से पहले आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करोगे, तो नॉट ओनली पहला सब्जेक्ट द टीचर, बट ऑल्सो दूसरा सब्जेक्ट द गर्ल्स, फिर यहाँ आर टॉकिंग। ये आर क्यों आया, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद आप जिस सब्जेक्ट को यूज करते हो उसी की वर्ब आएगी, और यहाँ आपने यूज किया द गर्ल्स तो गर्ल्स के बाद कौन सा है आर। यदि ये सेंटेंस उल्टा होता, समझिए ऐसा होता कि न केवल लड़कियां बल्कि शिक्षक भी बातें कर रहा है, तब आप लिखते नॉट ओनली द गर्ल्स बट ऑल्सो द टीचर इज टॉकिंग, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आया वो द टीचर आया और उसकी जो वर्ब है वो इज है। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ जो है किस का यूज करें, सिंगुलर का या प्लूरल, जो है हमारी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करें, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं, वह न केवल अध्यापक है बल्कि नेता भी है, ट्रांसलेट करो, ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए लीडर, वह न केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है, तो ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स, न केवल महेश बल्कि गणेश भी खेलेगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों में तो आप सब्जेक्ट से पहले यूज करोगे, नॉट ओनली महेश बट ऑल्सो गणेश विल प्ले। अब हमारा दूसरा जो कंजेक्शन है बोथ एंड, ये इसके हिंदी के जो मीनिंग होते हैं और भी या और दोनों। इसकी स्ट्रक्चर देखिए सेम वैसी है जैसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो में यूज किया, सब्जेक्ट है पहली है, जब सब्जेक्ट एक समान हो तो सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बोथ और
बहुत का यूज आपने वर्ब से पहले किया है तो एंड का यूज ही वर्ब से पहले होगा। यदि एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ भी एंड के बाद एडजेक्टिव आएगा, और यदि आपने नाउन का यूज किया तो यहाँ भी नाउन आएगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी है, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो सब्जेक्ट से पहले आप बोथ और एंड का यूज करोगे, तो बोथ फिर पहला सब्जेक्ट, इसके बाद एंड फिर दूसरा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, नहीं है तो डायरेक्ट या तो वर्ब होगी या एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। इसमें भी पहली कंडीशन, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, जब सब्जेक्ट एक ही हो, जैसे राजू इज ए टीचर, और दूसरा है राजू इज एन ऑथर, राजू एक अध्यापक है और राजू एक लेखक है, दोनों को मिक्स कर दीजिए और बोथ एंड का यूज कर दीजिए, तो राजू अध्यापक और लेखक दोनों हैं, तो राजू एक अध्यापक और एक लेखक दोनों ही है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक समान है, तो आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे राजू, फिर इज बोथ ए टीचर एंड एन ऑथर, देखिए नाउन का यूज हुआ है ए टीचर और एन ऑथर, तो नाउन से पहले आपने बोथ का यूज किया तो एंड का यूज भी आप नाउन से पहले ही करोगे। दूसरा एग्जाम्पल लें, राधा इज इंटेलिजेंट और राधा इज ब्यूटीफुल, राधा बुद्धिमान है और राधा खूबसूरत है, दोनों को मिक्स कर दो तो राधा बुद्धिमान और खूबसूरत दोनों है, तो आप लिखोगे राधा इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट और दूसरा क्या है ब्यूटीफुल है, ये भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ बोथ का यूज एडजेक्टिव से पहले हुआ तो एंड का यूज भी एडजेक्टिव के पहले ही होगा। व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आप बोथ एंड का यूज कैसे करोगे। करण इज प्लेइंग क्रिकेट और अर्जुन इज प्लेइंग क्रिकेट, करण क्रिकेट खेल रहा है, अर्जुन क्रिकेट खेल रहा है, यानी करण भी क्रिकेट खेल रहा है और अर्जुन भी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है अलग अलग है, क्रिया एक समान है, तो आप जो है दोनों को मिक्स करोगे कैसे बनेगा, करण और अर्जुन दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या करना है सब्जेक्ट से पहले बोथ और एंड का यूज करना है, तो बोथ फिर पहला सब्जेक्ट करण, इसके बाद एंड फिर दूसरा सब्जेक्ट अर्जुन, फिर आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है कि बोथ एंड में जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, क्योंकि यहाँ जब बोथ का यूज होता है तो फिर वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, तो बोथ करण एंड अर्जुन आर प्लेइंग क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल ले, राधा इज ब्यूटीफुल सीता इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है सीता सुंदर है, तो राधा और सीता दोनों सुंदर हैं, आप कन्वर्ट करो बोथ राधा एंड सीता आर ब्यूटीफुल। मैंने पहले बताया कि बोथ एंड में जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो फिर यहाँ प्लूरल यूज होगा वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब में, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। इसके कुछ और सेंटेंस ले, ये भोजन और दवा दोनों है, या ये भोजन का भोजन और दवा की दवा है, तो दिस इज बोथ ए फूड एंड ए मेडिसिन, ये किताब की किताब है और दोस्त का दोस्त है, दिस इज बोथ ए बुक एंड ए फ्रेंड, राम और श्याम दोनों जयपुर जाएंगे, सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले यूज होगा सब्जेक्ट के पहले बोथ और एंड का, बोथ राम एंड श्याम विल गो जयपुर। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज ली है जो आप खुद स्वयं करोगे, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है इनमें, उसने न केवल मेरा आदर किया बल्कि मेरी मदद भी की, मैं न केवल पढ़ रहा हूं बल्कि पढ़ा भी रहा हूं, न केवल करीना बल्कि कटरीना भी अभिनेत्री है, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अध्यापक भी आए थे। इसी प्रकार एक्सरसाइज हमने बोथ एंड की ली है, एक वह पिता और शिक्षक दोनों हैं, यह है रिक्शा का रिक्शा और घर का घर, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले जो होते हैं कई बार फुटपाथ पे रहते हैं तो रिक्शे में ही सो जाते हैं, इसलिए वह उसका रिक्शा का रिक्शा और घर का घर हो गया।
करीना और कैटरीना दोनों ही अभिनेत्री हैं, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही आए थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को जो नए व्यूअर हैं हमारे वो सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।